Good morning, students. We have completed our first chapter. Now, let's start the second chapter. The name of the chapter is the Northern Mountains. First of all, we have completed a hard words. Now, the explanation part of the chapter. See, the cha uh, what, what is in this chapter? The Northern Mountains. It's about the

इंडिया वी कैन फाइंड सच अ लैंडफॉर्म अब एस इस टाइप का जो लैंड है वो हम कहाँ पर इंडिया में पाया जाता है कैस कहाँ पर है ये एरिया तो कहाँ पर है ये नॉर्थ में है ठीक है कहाँ पर है नॉर्थ में नेम टू स्टेट दैट हैव दिस टाइप ऑफ लैंडस्केप्स अब उन टू स्टेट्स के नाम बताने हैं जिसमें जिसमें कि ये टू इस टाइप का लैंडफॉर्म फॉर्म इस, ये माउंटेन्स होते हैं तो माउंट माउंटेंस कहाँ पे होते हैं नॉर्थ पार्ट में होते हैं तो नॉर्दर्न पार्ट में माउंटेन्स होते हैं अब नॉर्थ पार्ट के जो स्टेट्स हैं वो उनमें टू स्टेट्स के नाम हम जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड अनादर वन इज़ उत्तराखंड तो ये टू टाइप्स के स्टेट हैं जिनमें किस टाइप के लैंडफॉम्स होते हैं और हमने जब हम मैप देखेंगे तब हम क्लियर हो जाएगा ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग लोकेट द मैप ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इंडिया इज़ द लैंड ऑफ द हाइस्ट माउंटेन रेंजेज इन द वर्ल्ड लोकेट द मैप ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया ये नॉर्थ इंडिया का क्या है मैप है और इंडिया इज़ द लैंड ऑफ द हाइस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड जो इंडिया है वो हाइस्ट माउंटेन जो हैं वो इंडिया में है हाइस्ट माउंटेन रेंजेस पूरे वर्ल्ड की कहाँ पर है इंडिया में है और उन्हें क्या कहते हैं द हिमालयास उन्हें क्या कहते हैं हिमालयास मतलब कि वर्ल्ड में अगर सबसे हाईएस्ट माउंटेन है तो वह कहाँ पर है इंडिया में जिन्हें कि हिमालयास कहा जाता है दे फ्रॉम सॉरी दे फ्रॉम द क्रिस्ट ऑफ द कंट्री ये क्या है? मतलब कि कंट्री की, की टॉप पे एक चोटी जैसा बनाते हैं ये कंट्री के इस मैप में देखो यहाँ पर तो क्रिस्ट मतलब कि पीक जैसा एक टॉप उसका टॉप पार्ट शो करते हैं इन हिमालिया की वजह से द नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन्ट्रेच स्ट्रेच फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट अब ये पूरा एरिया कितना है ये पूरा रीजन में कितना है मतलब कहाँ से शुरू है अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में ये ईस्ट पार्ट है ये नॉर्थ पार्ट है तो ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश से ऊपर जम्मू और कश्मीर तक क्या पर क्या है माउंटेन पार्ट है ओके okay? माउंट ये पूरा जो रीज़न है ये कौन सा है माउंटेन वाला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में से जम्मू कश्मीर तक द टोटल लेंथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेंस इज़ अराउंड टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर इनकी जो लेंथ है इनकी जो लंबाई है ना ये कितनी है नॉर्दर्न माउंटेंस की अराउंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर ये मतलब कि ज़मीन से इतने ऊँचे हैं और द वाइड दाइड द दीट वेरीज़ फ्राम टू फिफ्टी टू फोर हंड्रेड किलोमीटर और इनकी जो वीट है मतलब इनकी जो चौड़ाई है ये कितनी टू फिफ्टी टू फोर हंड्रेड किलोमीटर कुछ फी टू फिफ्टी से मतलब फोर हंड्रेड किलोमीटर के बीच में इनकी क्या है चौड़ाई है वीटते हैं द हिमालयन काराकोरम एंड कैलाश रेंजेस आर ऑल द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स जो ये हिमालय के दो मेन हिमालय हैं काराकोरम और कैलाश ये जो ये जो दोनों रेंजेज हैं माउंटेंस की ये क्या है ये नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न माउंटेंस का ही पार्ट है मतलब कि नॉर्थन माउंटेंस में भी में ही ये दोनों आ, रेंजेस माउंटेंस की है कैलाश और कारा कोरम इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेंस अब नॉर्दर्न माउंटेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है सी द नॉर्दर्न माउंटेन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन डिटर किसके वजह से डिटरमाइन होता है इन माउंटेन्स की वजह से मतलब जो वेदर है क्लाइमेटिक कंडीशंस वो इन माउंटेंस की वजह से डिटरमाइन होती है दे ब्लॉक द कोल्ड विंड्स दैट ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ये क्या करते हैं ये नॉर्दर्न माउंटेन्स इधर नॉर्थ साइड से इधर ठंडी हवाएं आती है है ना तो इनको क्या करते हैं कोल्ड विंड्स को ये माउंटेन्स बड़े बड़े माउंटेंस है तो ये उसको उधर ही रोक देते हैं ब्लॉक कर देते हैं इधर हमारी कंट्री में नहीं आने देते हैं यहाँ माउंटेन एरिया है तो ये माउंटेन एरिया माउंटेन्स की वजह से वो कोल्ड विंड हमारे इधर इन, इन वाले स्टेट्स में नहीं आ पाती द हिमालिया आर द नेचुरल बेरियर फॉर रेन बेयरिंग क्लाउड्स अब जो रेन बेयरिंग क्लाउड्स हैं मतलब कि जिन बारिश जो होती है वो उनके लिए क्या है हिमालिया बहुत नेचुरल है एज अ रिजल्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स रिसीव रेनस एंड हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट मतलब कि इन माउंटेंस की, की वजह से जो रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं वो ईजी उनको मतलब कि ईजी हो जाता है र, र, रेनिंग के लिए रेनिंग, रेनिंग कंडीशंस ईजी हो जाती है इनकी वजह से तो जो नॉर्दर्न पाउ जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे प्लेन एरिया है नॉर्थ पार्ट में अब प्लेन एरिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं तो ये क्या करते हैं रेन को रिसीव करते हैं और जो है इनको यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है मॉडरेट होती है मीडियम होती है मतलब ना तो ज़्यादा कोल्ड होती है और ना ज़्यादा गर्म होती है इन रेन बियरिंग क्लाउड्स जो कि माउंटेन्स में नेचुरली होते हैं बनते हैं हिमालियाज में है ना तो द हिमालज आर ऑल्सो द हमालियाज आर ऑल्सो सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ मैनी इम्पोर्टेंट रिवर्स और इन हिमालियाज की वजह से ये ये किस किस ये जो हिमालियाज़ हैं ये सोर्स हैं मतलब कि यहाँ से बहुत सारी रिवर्स के अंदर पानी आता है पानी मिलता है उन रिवर्स को तो ये हमालियाज क्या हैं सोर्स हैं रिवर्स को पानी इन हिमालियाज की वजह से मिलता है दीज रिवर्स आर द लाइफ लाइन दीज रिवर्स आर द लाइफ लाइन्स ऑफ द प्लेन्स ऑफ इंडिया ये जो इंडिया के जो प्लेन रीजनस हैं ना प्लेन प्लेन एरियाज हैं इनको ये इनके लिए क्या है लाइफ लाइन्स हैं वाटर विदाउट वाटर क्या हम रह सकते हैं नहीं तो ये यहाँ पर जितनी भी रिवर्स नॉर्थ साइड से आ रही हैं तो उनको वाटर इन हिमालयाज से मिलता है और ये हमारे लिए लाइफ लाइन है तो हमारे प्लेन एरिया के लिए ये जो माओ हिमालयाज़ हैं ये और ये जो रिवर्स आ रही हैं ये लाइफ लाइन है द थीक फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेंस आर आर सोर्स सोर्सेज ऑफ टिम्बर एंड रीच वाइल्ड लाइफ यहाँ पर कि बहुत सारे जो थीक फॉरेस्ट हैं बहुत घने जो जंगल हैं उनके लिए ये क्या है नॉर्दर्न माउंटेंस क्या हैं सोर्स हैं वहाँ पर टिम्बर लकड़ियाँ मिल जाती हैं और डिफरेंट टाइप्स की लकड़ियाँ और रीच वाइल्ड लाइफ अलग डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स तो ये एनिमल्स और लकड़ियों के लिए टिम्बर्स के लिए क्या है थीक फॉरेस्ट सोर्स इतने घने जंगल हैं यहाँ पे ईजीली हमें लकड़ियाँ और ये इजीली मिल जाती है तो ये हमारे लिए इसलिए जो माउंटेन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट्स हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स अप पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स इन नॉर्दर्न माउंट्स के माउंटेन्स के पार्ट्स हैं द नॉर्दर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ थ्री रेंजेस दैट रन पैरलर टू ईच अदर मतलब कि ये थ्री तीन रेंजेज इसमें मेन हैं जो कि कैसी हैं पैरलर हैं एक दूसरे के सी फर्स्ट वन इज़ द ग्रेटर हिमालियाज और हिमाद्री जो पहला है फर्स्ट है ग्रेटर हिमालिया जिसे कि हिमाद्री कहा जाता है देन द मिडिल हिमालियाज और हिमाचल देन लास्ट इज़ द लेसर हिमालज और शिवालिक मतलब कि हिमाद्री हिमाचल और शिवालिक ये तीन टाइप्स के क्या हैं तीन ये पार्ट्स हैं नॉर्दर्न माउंटेंस के जस्ट एज द नेम सजेस्टेड द ग्रेटर हिमालयन रेंज इज़ द हाइस्ट ऑफ ऑल द थ्री रेंजेज मतलब कि आप इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटर हिमालयन रेंज मतलब कि ये सबसे हाईएस्ट है तीनों रेंजेस में से सबसे हाईएस्ट ये है कौन सा है द ग्रेटर हिमालयन रेंज हिमाद्री ऑल्सो नोन एज हिमाद्री इसे हिमाद्री कहा जाता है द माउंटेंस ऑफ दिस रीजन रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो एंड ग्लेशियर्स इस रीजन के इस एरिया के इस हिमाद्री में जितने भी माउंटेंस हैं वो क्या रहते हैं पूरे ही टाइम किससे कवर्ड रहते हैं स्नो से कवर्ड रहते हैं बर्फ से कवर्ड रहते हैं एंड ग्लेशियर्स थ्रू आउट द ईयर मतलब कि पूरे टाइम बर्फ़ से कवर्ड रहते हैं और कैसे ग्लेशियर्स बर्फ की नदी की तरह होते हैं ये पानी भी होता है वहाँ पे और बर्फ जैसी नदी होती है ग्लेशियर्स मतलब मैंने आपको बताया था बर्फ़ की नदी तो ये ग्लेशियर्स से कवर्ड होते हैं स्नो से कवर्ड होते हैं थ्रू आउट द ईयर पूरे ही ईयर ये, ये कवर्ड होते हैं स्नो से एंड हैव एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट और यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है ठंडा होता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है दीज ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स अब ये जो ग्लेशियर्स हैं इस हिमाद्री में जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं ये कि, ये किसके लिए मतलब कि सोर्स हैं सोर्स किसके लिए हैं ये इम्पॉर्टेंट रिवर्स जैसे कि कौन कौन सी रिवर्स में कहाँ से पानी आता आप, आप सोच रहे रिवर्स में पानी कहाँ से आता है रिवर्स में पानी इन ग्लेशियर से ही आता है जैसे कि गंगा यमुना इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ये चार जो मेन रिवर हैं फोर मेन रिवर्स हैं ये इस हिमाद्री ग्लेशियर्स में से ओरिजिनेट होती है मतलब कि यहाँ से निकलती है और ये सो इनके इनके अंदर पानी कहाँ से आता है हिमाद्री ग्लेशियर से The vegetation is sparse as only a few plant like lichen, moss and wild flower can survive the cold climate अब जो वेजिटेशन है यहाँ का वो अलग होता है जैसे कि वहाँ पे अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं वेजिटेशन है ना जैसे कि सिर्फ कुछ ही प्लांट्स होते हैं यहाँ पे lichen मॉस और वाइल्ड फ्लावर होता है वो जो, जो इस कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव करते हैं रह पाते हैं अगर कोई हम सोचें कि हम ना है मैंगो ट्री लगा दें वहाँ पर नहीं क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है ये उन आ, सिर्फ इन प्लांट्स के लिए ही सूटेबल होता है लिचिन मॉस और वाइल्ड फ्लावर यहाँ स्नो लियोपार्ड गॉड एंड शिप्स आर द ओनली वाइल्ड लाइफ फाउंड इन दिस रीज़न किस टाइप के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं जंग याक स्नो लियोपार्ड, गोट एंड शेप्स आर द ओनली वाइल्ड लाइफ फाउंड इन दिस रीजन इस एरिया में पाए जाते हैं कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ याक स्नो लियोपार्ड गोट और शेप कंचनजंगा एट द एलिवेशन ऑफ एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी सिक्स मीटर इज़ द हाइस्ट पिक इन इंडिया इंडिया में सबसे हाईएस्ट पिक जो है है ना हाईएस्ट टॉप मोस्ट पिक वो उसका इवोल्यूशन मतलब उसका कैलकुलेशन वो कितनी हाइट पर है इवेल्यूशन एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी सिक्स मीटर ऊंचा है और उसका नाम है कंचन आ, कैंचेंग जंगा कैचेंग जंगा दिस इज द हाईएस्ट इवेल्यूशन मतलब इसका हाई और हाईएस्ट पिक इन इंडिया इसका एवोल्यूशन कितना है एट थाउजेंड एट हंड्रेड सॉरी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी सिक्स मीटर विच स्टैंड एट द हाइट इसकी हाइट भी इतनी है इन द हाइस्ट पिक इन द वर्ल्ड ये वर्ल्ड में भी हाईएस्ट है और वर्ल्ड में भी हाईएस्ट है और इंडिया में भी हाइएस्ट एलिवेशन पे है इसकी हाइट इतनी कितनी है एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी सिक्स मीटर और इस और वर्ल्ड में अगर ये इसकी हाइट है अगर वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे विच स्टैंड्स एट द हाइट एट थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट मीटर इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड मतलब सबसे ऊंचा है ये इसकी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एट थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट मीटर की हाइट है क्लियर आई होप कि आपको यहाँ तक की समझ में आया होगा और दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नांदा देवी नांदा देवी पिक ये भी एक नेम है आ, ये इधर ग्रेटर हिमालयन रेंज में ही है हिमाद्री में ओके नाउ दिस हु वर द फर्स्ट पीपल टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड वेन अब सबसे जो वर द फर्स्ट पीपल टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड वेन तो फर्स्ट पीपल कौन था जिसने कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी सक्सेसफुली वो वहाँ तक पहुँचा था और कब तो द नेम ऑफ द पर्सन इज एड एडवन हेलरी एंड इन 1959 ही क्लाइम टू द माउंट एवरेस्ट ओके रिमेंबर दिस फैक्ट जोन खारडेंग ला इज द हाइस्ट माउंट मोटरेबल रोड इन द इंडिया ये मोटरेबल हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इंडिया का कौन सा खारडंग लॉ ओके नाउ नेक्स्ट मिडिल हिमालियाज द मिडिल हिमालज आर और हिमाचल जिन्हें हिमाचल भी कहा जाता है लाइज टू द साउथ ऑफ़ हिमाद्री हिमाद्री जहाँ है उसके साउथ में ये मिडिल हिमालियाज हैं ठीक है ठीके? सिंस इट इज़ लोअर इन एल्टीट्यूड दैन द ग्रेटर हिमालयस ग्रेटर हिमालयस से ये हाइट में क्या है एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट हाइट में ये कम है ऊँचे हैं लेकिन ग्रेटर हिमालयस से कम है हाइट में इट इज़ नॉट सो कोल्ड ईयर यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होती है विथ थी पाइन एंड देवदार फॉरेस्ट यहाँ पे पाइन ट्रीज और देवदार के फॉरेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है देवदार का एक पेड़ आता है आप देखना उसको पाइन ट्रीज है ना द सिनिक ब्यूटी ऑफ द हिमाचल रेंजेस हैज़ गिवन राइज टू द मेनी हिल स्टेशंस एज अ रिजल्ट मतलब यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जिनकी ब्यूटी इतन मतलब इतने ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हैं यहाँ पे उनकी ब्यूटी हिमाचल रेंज को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती हैं हिमाचल रेंजेस को यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ जो कि टूरिज्म टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए एज अ रिजल्ट टूरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दिस रीजन यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादा हैं इन माउंटेन्स में इन मिडल हिमालंज में हिमाचल में तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी टूरिज्म ही है कि यहाँ पे टूरिज़्म आते हैं और यहाँ उनकी यहाँ पे जो इकोनॉमिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं तो वो यहाँ पर इस रीजन में होती हैं यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि इससे यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस मिलता है वो अपना बिजनेस उसको इजीली रन रन कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टूरिज्म इसीलिए देन द लास्ट थर्ड वन इज़ द लेसर हिमालयन रेंज आर ऑल्सो नोन एज द शिवालिक रेंज दीज रेंजेज हैज़ द शिवालिक रेंजेज इन द नॉर्थ एंड द पूर्वांचल रेंजेज इन द नॉर्थ ईस्ट लेसर हिमालय रेंजेज आर ऑल्सो नोन एज द शिवालिक रेंजेज इनको शिवालिक रेंजेस भी कहते हैं द दीज रेंजेज हैज़ द शिवालिक रेंजेज इन द नॉर्थ इन नॉर्थ में है इस रीजन की शिवालिक रेंजेज नॉर्थ में हैं और पूर्वांचल रेंज जो भी हैं रेंजेज भी हैं और वो हैं नॉर्थ और ईस्ट दोनों में है पूर्वांचल रेंज द शिवालिक रेंजेज मर्ज विद द फूट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड इज अबाउट सिक्सटीन किलोमीटर वाइड इन सम प्लेसेज कुछ शिवालिक रेंजेस जो हैं वो मर्ज हैं फुट हील्स ऑफ द हिमालयस मतलब हिमालज की जो फ़ुट हील्स हैं कुछ हील्स के ऊपर माउंटेंस हैं पहले हील्स हैं उसके बाद फुट हील्स मतलब यही होता है कि बेस है हील्स uh, जो हैं उसका बेस है उसके ऊपर फिर क्या है माउंटेंस है तो कुछ जो शिवालिक रेंजेस हैं वो उससे मर्ज हैं हिमालयस की फ़ुट हील्स से मर्ज हैं एंड इज़ अबाउट मिली हुई है मतलब एंड इज अबाउट सिक्सटीन किलोमीटर वाइड इन सम प्लेसेस और मतलब कि सिक्सटीन किलोमीटर वो क्या है वाइड है कुछ जगहों पर तो इतनी ज़्यादा फैली हुई है